अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज चौधरी बिलाल ज़ुल्फ़िकार, एजुकेशनल एंड बिजनेस कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो स्टडी इन MBBS रशिया के हवाले से है, प्रॉपर रशिया के हवाले से, ना कि उनकी जो स्टेट्स हैं जिधर PMC ने बैन कर दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो PMC की लिस्ट है, न्यू लिस्ट, उनके बारे में स्टूडेंट्स को बहुत कम आइडिया है। PMC की वेबसाइट्स के ऊपर भी जाते हैं, उधर दोनों लिस्टें उन्होंने दी हुई हैं, क्योंकि वो प्रीवियस लिस्ट है, इसलिए पुरानी लिस्ट भी दी हुई है, न्यू लिस्ट भी दी हुई है जो यकम अप्रैल से है। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। वो समझते हैं कि शायद जो है अपना कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ रशिया के अंदर लिस्ट के अंदर, एक यूनिवर्सिटी सिर्फ कज़ान मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वही लिस्ट के अंदर इंक्लूड है, बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है। और उधर साथ साथ ही वो समझते हैं कि शायद कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी जो है अपना लिस्ट के अंदर मौजूद है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जो न्यू लिस्ट है उसके ऊपर भी हम कंप्लीट जो है अपना वीडियो वेबसाइट्स पे जाके वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने देखनी है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन जो अभी सिनेरियो है उसके ऊपर, वो कजाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोई भी यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर नहीं है, ना किर्गिस्तान की, ना कजाकिस्तान की, उज़्बेकिस्तान की, इधर की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है लिस्ट के अंदर। ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने नहीं जाना। अब रशिया की तरफ चलते हैं। रशिया की तकरीबन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो PMC की वेबसाइट से मौजूद हैं। अभी जो इन्होंने दो लिस्टें बना दी हैं PMC ने, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू कंट्री के हवाले से, ए एंड बी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। रशिया जो है ये बी लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं और कंट्री टू में आता है। इन्होंने इस तरह किया, एक लिस्ट बना दी है कंट्रीज़ की, वन एक टू बना दी है। जो ए यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वन की हैं, जो बी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टू कंट्रीज़ की हैं। इसीलिए जो है अपना रशिया टू में आ रहा है, तो यूनिवर्सिटीज़ भी बी लिस्ट के अंदर आ रही हैं। तो रशिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मेरिट, इसके अंदर मेरिट और डीमेरिट दोनों ही हैं रशिया के। पहले तो मैं आपको इनके मेरिट्स बताता हूँ। मेरिट्स में ये है कि रशिया जो है इधर इंग्लिश में भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब पहले बाईलिंगुअल होते थे, लेकिन अभी जो है अपना तमाम कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको पढ़ा रही हैं, तमाम कोर्स वगैरह जितना भी टीचिंग का है वो सारा इंग्लिश के अंदर है, पेपर वगैरह आपके इंग्लिश में है, लेक्चर्स वगैरह। लेकिन जो इंटर्नशिप है आपको पता है वो हॉस्पिटल में होनी है, वो उधर भी फिर वो आपको ट्रांसलेटर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उधर लोकल फिर इस तरह उनके साथ कन्वर्सेशन वगैरह में, अगर तो आपको रशियन आती है तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं सीख सके फाइनल ईयर्स के अंदर तो फिर आपको उधर ट्रांसलेटर्स वगैरह मिल जाते हैं, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, एक तो चीज़ ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते थे कि उधर अपना रशियन लैंग्वेज के अंदर ही पढ़ाया जाता है। दूसरा, इसका जो बेनिफिट्स है, उधर आप वर्क वगैरह कर सकते हैं, वर्क आपको लीगल तौर पर अलाउ है, जिस तरह अपना यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अलाउ होता है स्टूडेंट्स को, इसी तरह रशिया के अंदर भी अलाउ है। उसके बाद तीसरा ये है कि आप उधर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप उधर हाउस जॉब कर सकते हैं। हाउस जॉब, एक साल की हाउस जॉब करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा वो एक्टिविटीज़ नहीं करनी पड़ेगी, बस एक साल की हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा, जैसा कि PMC की रिक्वायरमेंट भी है लाइसेंस, तो आप उधर लाइसेंस ले सकते हैं। हालांकि कोई भी आपको लैंग्वेज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि चाइना के अंदर आपको HSK 5 करना पड़ता है, तो इसलिए इधर जो है अपना आपको लैंग्वेज वाला कोई सिनेरियो नहीं है। आपने एक साल की हाउस जॉब करनी है और आपको लाइसेंस वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप उधर अगर उनके ना रशिया में आपको PR का ऑप्शन भी मिल जाता है। कुछ लोगों को PR का नहीं पता, PR होती है परमानेंट रेजिडेंसी, जिस तरह चाइना में आपको डिग्री के बाद वापस आना पड़ता है ना, रशिया में इस तरह का सिनेरियो नहीं है। आप उधर से वापस आने के बजाय आप उधर वो काफ़ी उनके जो है अपना प्रोग्राम्स हैं उनके तहत, किसी ना किसी के तहत आप जो है आपको उधर PR मिल जाती है, PR परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। ठीक है, उसके 5-7 साल बाद, 10 साल बाद आपको उधर का पासपोर्ट भी मिल जाता है। उस पासपोर्ट के ऊपर आप दुनिया में तकरीबन 100+ कंट्रीज़ हैं जिधर आप इजीली मूव कर सकते हैं, उनका जो है अपना पासपोर्ट बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बहुत अच्छा है, बेहतर नहीं बहुत अच्छा है। ये भी ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है स्टूडेंट्स के लिए। उधर फिर जब आपको PR वगैरह उनके एज ए नेशनल ट्रीट होते हैं, तो फिर आप उधर जॉब्स वगैरह भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप उधर से पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करके जब आप आएंगे पाकिस्तान में वापस, तो आपको कोई भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको NLE वगैरह का टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको फुल लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा विदाउट एनी टेस्ट के, आपकी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के बेस के ऊपर। ये तो थे इनके मेरिट्स वगैरह, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, यकीनन मज़ा आया होगा, आप सोच रहे होंगे बस मैं अब रशिया में जा रहा हूँ। अब इनके डीमेरिट्स सुने, अभी मैं आपको इनके डीमेरिट्स बताता हूँ, फिर उनका तोड़ भी बताऊँगा। डीमेरिट्स ऐसा कोई ख़ास नहीं है। डीमेरिट में सबसे बड़ा जो इनका जो है अपना है वो रूबल, इनकी जो करेंसी है रूबल, रूबल की अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
तकरीबन आज से कोई 30-35 दिन पहले $1 के 72-73 रूबल आते थे, ठीक है। फिर वो 65 रूबल पे आना शुरू हो गया, फिर 62 पे आया। अब जो है ये 56 रूबल आ रहे हैं, एक डॉलर के 56 रूबल। अब यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है, अब आप कह रहे होंगे रूबल का आपके साथ क्या ताल्लुक, रूबल का ये है, उधर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रूबल के अंदर फ़ीस लेती हैं। जब वो रूबल के अंदर फीस लेंगी तो जिस तरह से ये डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रही है, इतना ज़्यादा जो है ये रेट ऊपर नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा है अभी, तो उतना ज़्यादा जो है लॉस है। जब हमारे पास यूनिवर्सिटी थी कुबान, कुबान की 1500 यूरो, $1500 फीस बनती थी जब हम उसका रूबल ट्रांसफ़र करते थे। 1,25,000-28,000 रूबल उनके बनते थे जब उन्हें ट्रांसफ़र करते थे, तो ये तकरीबन $1500 बनती थी। अभी आज के दिन जो है ये $2100 पे चली गई है। $600 का मतलब है कोई 1.25 लाख रुपए जो है, 1.5 लाख रुपए जो है पाकिस्तानी। अब 1.5 लाख जिसको बैठे बैठाए अगर जिसके स्टूडेंट्स को पे करने पड़ जाए एक्स्ट्रा, जिसने जहन में हो यार मैंने $1500 पे करनी है, अब जब उसकी फ़ीस जमा करवाने का वक्त आया उधर $2200 जमा करवानी पड़ रही है, फिर तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है ना, स्पेशली उनके पेरेंट्स के लिए। वो तो बेचारे कई तो ऐसे होते हैं बता भी नहीं सकते पेरेंट्स को, क्योंकि उन्हें पता होता है पहले जिस तरह वो अफोर्ड कर रहे हैं। तो यही सिनेरियो है, ये सबसे बड़ा इनका जो है अपना बिग प्रॉब्लम है एट दिस टाइम। तो आपने उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इसका तोड़ मैं साथ ही आपको बता दूं, उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जिनके अंदर डॉलर के अंदर कंट्रैक्ट है। अब उनमें जो यूनिवर्सिटी बेस्ट जा रही है, एक से एक या दो यूनिवर्सिटीज हैं जिनका डॉलर के अंदर कंट्रैक्ट है, बाकी सबका रूबल के अंदर ही है। तो उनमें एक यूनिवर्सिटी जो है वो बिश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इनके अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। तो बश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, जिस तरह वार वगैरह चल रही है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, तो बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं उधर तो वार चल रही है, उधर तो बहुत ज़्यादा पाबंदी वगैरह हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके कंट्रीज़ के अंदर जो भी लोग हैं उनको तो इतना ऐसा वार का कोई मतलब कि उन्हें आइडिया भी नहीं है, उधर पुरसकून ज़िंदगी उनकी गुजर रही है, ये बिल्कुल र्यूमर है। लेकिन इसका इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ जो उनके साथ बैन वगैरह कर रहे हैं, तो उनमें प्रॉब्लम वगैरह थोड़ी बहुत ही आई हैं, लेकिन ऐसा जितनी ज़्यादा नहीं है कि जिसमें एक लोग कहते हैं कि उधर आप पेमेंट वगैरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उधर कार्ड वगैरह नहीं चलते, तो उसके अल्टरनेट बहुत सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो अल्टरनेट बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और वो भी चीज़ें चल रही हैं जो पहले थी उधर, ऐसा कोई ज़िंदगी मुतासर नहीं हुई, लेकिन ये सिर्फ जो है एक र्यूमर्स हैं मार्केट्स के अंदर। तो बाकी जो स्टूडेंट्स माइग्रेशन वगैरह करवाना चाहते हैं वो भी इधर रशिया के अंदर माइग्रेशन करवा सकते हैं, माइग्रेशन भी चल रही है, न्यू एडमिशन भी चल रहे हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन जो है 700-800 स्टूडेंट ने इस साल एडमिशन अभी तक ले लिया हुआ है, और अभी आपको पता है अभी तो बच्चों ने पेपर अभी दे के फ्री हुए हैं, अभी उनका रिजल्ट आएगा, MCAT का टेस्ट देंगे तब बच्चे जाएंगे। होपफुली क्या उम्मीद है कि इस साल तकरीबन कोई 2,000+ बच्चा जो है रशिया में जाएगा MBBS के लिए। बहरहाल देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। तो ये थे इनके हवाले से कुछ जो चीज़ें थी। कुछ हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि उधर बहुत ज़्यादा जो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है रशिया के अंदर, जो है आपके लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा ऐसा कोई एक्सपेंसेस नहीं है। $250, $200, $300 मैक्सिमम उधर जो है आपकी हॉस्टल की फ़ीस है, बल्कि 300 भी नहीं है, $200-$250 है सेमेस्टर की। हालांकि अदर कंट्रीज़ के अंदर यही फ़ीस अब $400 हो गई हुई है। और खाने पीने का भी जो है, खाने पीने का आप खुद उधर कुकिंग कर सकते हैं, आपको उधर किचन वगैरह प्रोवाइड किए होते हैं, आप उनमें कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर खुद करते हैं 3-4 स्टूडेंट जिस तरह मिलके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसमें तो आपके 50-60-70 डॉलर तक आपका खर्चा आएगा। अगर मेस वगैरह रखते हैं फिर 100-120 डॉलर, वही पुराना खर्चा ही है। हालांकि अभी तो पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपेंसिस कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, जिधर 10,000 पाकिस्तानी खर्चा आता था उधर अब 15,000 खर्चा आ रहा है। तो लेकिन उधर जो है रशिया के अंदर तकरीबन ये 100-120 डॉलर ही खर्चा है, तो इतना भी आप उधर मैनेज कर लेते हैं। होपफुली कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मज़ीद रशियन यूनिवर्सिटीज़ हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी हमारे पास एक्सक्लूसिव है, उसमें भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट है हमारे पास, तो उसमें भी आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा। उसमें हमारे पास पार्शल स्कॉलरशिप भी हैं, वैसे उनकी फ़ीस $2250 है, लेकिन आपको $1,850 में पर सेमेस्टर उसकी फ़ीस पे भी एडमिशन मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।